कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक क्या हो गया। मेहर कितना खुश था आज कि रिहा हो रहा है, और जिंदगी से रिहाई मिल गई आज उसे। बहुत बड़ा सानिया था ईशा और अक्षंदा के लिए। उस गाड़ी का पता चला जिसने उमेर को हिट किया? अभी कुछ पता नहीं चला। पता नहीं क्यों मुझे बार बार मलिक इजलाल पे शक हो रहा। उससे पता था आज तुम्हारी जीत और उसकी हार का दिन है। जब तक उस गाड़ी का पता नहीं चलता हम कोई भी बात बस उससे नहीं कह सकते। शक तो मुझे भी उस पर है। लेकिन मामा मुझे तो एक बात बहुत परेशान कर रही है, ईशा और आंटी वहां पे अकेले हैं, अगर उसने उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। मुझे भी यही बात परेशान कर रही है। एक ही सहारा था उमेर,
वो भी चला गया, हम अकेले रह गए। आंटी मैं भी तो आपका बेटा ही, उमेर के जाने के बाद मैं आप दोनों के लिए बहुत फिक्रमंद हो गया हूँ। मेरे भाई का कत्ल किया गया है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जारी है, गाड़ी की तलाश भी कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता लगेगा हम एक्शन लेंगे। तो क्या मैं खामोश बैठकर सच सामने आने का इंतजार करती रहूं? क्या हम सब नहीं जानते सबके पीछे मलिक इजलाल है? ईशा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी वो आप दोनों की सेफ्टी है। आप लोग चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चलिए, यहाँ जहाँ आपका दिल चाहे, लेकिन आप दोनों को अकेला नहीं रहने दूंगा। बेटा हैदराबाद में हमारे दूर पर एक रिश्तेदार हैं, वहीं चले जाएंगे हम। नहीं आंटी, इन्वेस्टिगेशन के लिए रोज थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, हैदराबाद थोड़ी दूर हो जाएगा। तो फिर क्या करें बेटा, कहाँ जाएं? यहाँ तो कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार नहीं जो हमें सहारा देकर खतरा मोल ले। तो आंटी मैं हूं ना, मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, पहले ही तुम्हारे बहुत एहसानात हैं हम पर, तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हैदराबाद चले जाएंगे, कल ही चले जाएंगे, बल्कि हो सकता है आज शाम को ही निकल जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हम यही रहेंगे अम्मी। मैं यहाँ रह के अपने भाई के कातलों का मुकाबला करूंगी। मुकाबला करने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है ना। अगर खुदा ना खास्ता आप दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो कैसे मुकाबला करेंगी आप? चलिए फर्ज किया आपके घर जाके बैठ गई चुपके, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे दुश्मन हमें वहां नुकसान नहीं पहुंचा सकते? और शायद आप भूल रहे हैं, आपके घर पर पहले भी हमला हो चुका है। हमारी वजह से आप दो बार हमले की जद में आ चुके हैं, मैं खुद पर मजीद इल्जाम नहीं ले सकती। कौन डाल रहा है आप पर इल्जाम? मैं कह रहा हूं ना आंटी, आप दोनों चले मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, हम चले जाएंगे हैदराबाद। फिक्र नहीं करो, ईशा को मैं मना लू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हेलो। बहुत अफसोस हुआ उमेर की मौत का सुन के। एक्चुअली मैं खुद आना चाह रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आ जाता तो इसलिए नहीं आया। और क्या कहूँ, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे उमेर की मौत का सुन के। तुम्हें हमारी तकलीफों का एहसास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी तकलीफें तुम्हारी ही दी हुई है। हर तकलीफ का उजाला करने के लिए तैयार, रिश्ता जोड़ लो मुझसे। मलिक इजलाल, हमारे दरमियान बस एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता है दुश्मनी का। इनकार जैसी लज्जत इकरार में कहां है? बढ़ता है इश्क गालिब उनकी नहीं नहीं से। अरे क्या करूं,
कहाँ जा रही हो ईशा? कहाँ जा रही हो तुम? थाने। क्यों? किसलिए? अपने भाई के कत्ल की एफआईआर दर्ज कराने। किसके खिलाफ? मलिक जलाल के खिलाफ। उसी ने कत्ल किया है मेरे भाई का, क्योंकि उसके अलावा और कोई दुश्मन नहीं है हमारा। और कोर्ट में इस तरह साबित करोगी कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं कत्ल हुआ? जिस गाड़ी ने हिट किया उसका कोई अता पता नहीं है? कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास? मैं लाऊंगी सबूत, मैं ये साबित कर दूंगी कि ये एक्सीडेंट नहीं कत्ल है। यही चाहती हो तो ठीक है, चलो मेरे साथ। कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई एफआईआर नहीं कटवाई जाएगी। सुना तुमने? भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर हमने उन्हें इंसाफ का दिलाया तो वैसे नशे उन्हें क्या राह दिखाएंगे? सोचा आपने? अगर तुम्हें कुछ हो गया, कुछ नहीं होगा मुझे, और अगर हो भी गया तो परवाह नहीं है अम्मी, मैंने भाई खोया है अपना। तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक उस तरंदे को फांसी पर झूलता हुआ ना देख लूं। रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो अपनी मां का मरा हुआ ना देखोगी। उमेर के बाद मैं खोना नहीं चाहती। अम्मी? हाँ अम्मी, मुझे लगता है कोई कोई घर में कूद गया है। हाँ मैं, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है मेरी जान। अच्छा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ कमरे में। चलो 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 चलो। और बेबी जी रुको, और बेबी जी बिना इजाजत नहीं जा सकती आप। बेबी जी रुको, आप अंदर कैसे आई है? मैडम गेट से गाड़ी निकल रही थी, ये अंदर घुस आई। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर इतना डर क्यों गई हो? मैं यहाँ आऊंगी और बार बार आऊंगी और चीख चीख कर सबको बताऊंगी कि तुम लोग ही मेरे भाई के कातिल। क्या बकवास कर रही हो आप? तुम लोगों ने ही मारा है मेरे भाई को। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ही मरवाया तुम्हारे भाई को। अब ये बात किसी कोर्ट में जाके साबित कर सकती हो तो करके दिखाओ, या तुम्हारा वो जो आशिक वकील है उसके पास कोई दलील है, कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करो। लेकिन मसला ये है कि अभी तक तो तुम लोगों को वो गाड़ी भी नहीं मिली। तुमने ही मारा है मेरे भाई को, तुम कातिल हो! अरे क्या कर रही हो, नीचे गिरा दिया बेचारी को। इधर आओ तुम, चलो। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें तड़पते हुए देख के।
इसी तरह तड़पता हुआ देखना चाहती थी मैं जो तुम्हारे भाई की मौत के बाद देखना नसीब हुआ है मुझे। अपना इंतकाम तो आखिरी सांस तक लेती रहूंगी मैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डरो, डरो अल्लाह के अजाब से। मौत बांटने वालों, जो फूल दांत इंसाफ करेगी तुम लोगों को ऐसी मौत देगी कि इस दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाओगे तुम लोग। इतना मुझसे मेरा भाई छीन लिया, तेरी बदुआ है तुम्हें, तुमसे सब कुछ छीन जाएगा। अरे निकालो उसमें यहां से। आदमी लगाना। तुम लोग जल्द अपने अंजाम पे पहुंचोगे। इस तरह मैं तड़प रही हूं ना, उस तरह तुम लोग भी तड़पोगे। खुदा का लानत करेगा तुम लोगों को। मैं इस तरह धक्का नहीं देना चाहिए था तुम्हें। कहां गई थी तुम? गई थी मलिक इजलाल से मिलने गई थी। क्या क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? क्यों गई थी तुम? क्यों ना जाती हुई? मैं उनको बताने गई थी कि मैं अपने भाई के कातिलों के चेहरे पहचानती हूँ। क्या होगा तुम्हारे बताने से? कौन लेगा उनके खिलाफ एक्शन? कोई नहीं लेगा बेटा, ये सब तुम्हें पता है। मुझे मलिक इजलाल फांसी पे लटकता हुआ चाहिए अम्मी। उसने मेरे सामने इतराफ किया, कातिल है वो, कातिल है मेरे भाई का, आपके बेटे का कातिल है। मैं FIR कटवाऊंगी और आप मुझे इस बार नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगे तुम। मेरे पास गवाने को कुछ नहीं बचा बेटा, कुछ नहीं बचा गवाने को। अम्मी, भाई मनु मिट्टी तले दब गए। अब कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, कुछ ऊपर वाला इंसाफ लेगा हमारा। हम इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। क्या किया है मैंने? ईशा और उसकी माँ पर। कहना क्या चाह रही हो तुम? यही कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, तुम्हें क्या लगता है उमर का, उमर को मैंने मरवाया? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आज कह रही है ना, आइंदा मत कहना। जाओ उमर को भेजा ना, तुम्हें भी वही भेज दूंगा मैं। Thank you.
आंटी आओ बेटा बैठो। आंटी मैं कैनेडा हमेशा के लिए वापस जा रही हूँ। मेरे को आप दोनों बहुत अजीज थी, इसलिए सोचा आपसे मिलती चलूं। बेटा कुछ दिन तो रुकनी और करती चल मेरी मेरा तो मैं यहां रुक कर क्या करूंगी। आई तो थी कि मैं को अपने साथ वापस लेकर जाऊं, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उस एक वक्त की मेरे हाथ में आएगी। क्या पता था कि उमर इतनी जल्दी चला जाएगा, उसकी शादी करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी मेरी। लेकिन बेटा तुम जहां भी रहो खुश रहो। न जाने मैं कभी उम्र की याद से निकल सकूंगी या नहीं। मैं सिर्फ मोहब्बत कर लेकिन मेरी मोहब्बत आप लोगों की मोहब्बत के आगे हार गई। मैं हमेशा के लिए कनाडा वापस जा रही हूं, लेकिन उमेर की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। बेटा कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही, हम तुम्हारे मुजरिम तो हैं, हो सके तो हमें माफ कर दे। मैं आपको माफ कर सकूंगी या नहीं, किंतु मैं तुझे कभी माफ नहीं करती। चलो ईशा। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा है ना कि मैं कहीं नहीं जा रही। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? मैं तुम्हें इन भेड़ियों के झुंड में नहीं छोड़ सकती। चले जलाल के डर से मान लिया कि हम हैदराबाद चले भी जाते हैं तो क्या वो हमारे पीछे नहीं आ सकता हमें तंग करने? फिर कहाँ जाएंगे हम अम्मी? कब तक हम इस शैतान से भागते रहेंगे? जब तक हिम्मत है हमें। उस दिन मैं आपके कहने से रुक गई थी पर मैं अब नहीं रुकूंगी। मैं अपने भाई के कत्ल की FIR जरूर कटवाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शुक्र है शावेज आप आ गए। आप मेरे साथ थाने चलेंगे? चल। एक रिपोर्ट दर्ज कराने में कितनी मुश्किल पेश आई मलिक जलाल के खिलाफ। कोई सबूत नहीं है हमारे पास, किस तरह साबित करें? शावेज आपने तो ये केस लड़ने से पहले ही हार मान लिया। मुझे लगता है आप ये केस लड़ना ही नहीं चाहते।
अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं कोई और वकील ढूंढ लूँ। क्या हो गया तुम्हें, हर बात को इतना नेगेटिवली क्यों लेती है? तो और क्या करूँ, बजाय मेरा हौसला बढ़ाने के, मेरे भाई के कातलों को सजा दिलवाने के, उल्टा आप मुझे ही डरा रहे हैं। अब मुझे ऐसा फील करवा रहे हैं कि मैंने ये रिपोर्ट करवा के बहुत बड़ी गलती की है, कोई बेवकूफ़ी कर दी है मैंने। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप एक बार फिर सोच रहे शावेज, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इस शहर में वकला की कमी नहीं है। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें एक नई मुसीबत में पड़ने की? अपने साथ साथ तुम शावेज को भी ख्वार कर रही हो। मैंने शावेज से कह दिया है, अगर वो केस छोड़ना चाहते तो वो छोड़ सकते हैं, मैं कोई और वकील कर लूंगी। कहां से लाओगी तुम नए वकील की फीस? अम्मी मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मगर मैं अपने भाई के कातलों को इतना खुला नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे पागल कर दोगी, तुम्हारी ये जिद हमें किसी नई मुसीबत में डाल देगी। या अल्लाह, कौन हो तुम लोग? कौन है इस तरह, किसने घुस रहे अंदर? सुन लड़की, मलिक साहब ने तेरे लिए पैगाम भेजा है, अपनी और अपनी माँ की जिंदगी चाहती हो तो FIR वापस ले लो और ये घर छोड़ के दफा हो जाओ। अच्छा, धमकी दे रहे हो? हाँ। धमकी इसको दे रहे हो? मेरे ही घर में घुस के मुझे धमकी दे रहे हो? यहाँ से वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। और मेरी बात सुनो, कान खोल के उस दरिंदे को कह देना, जब तक मैं उसे फांसी के फंदे पे नहीं पहुँचा देती मैं चैन से नहीं बैठूंगी। निकलो मेरे घर से, निकलो, दबा जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान ले लूँगी। भाग ले गया, अंदर चलो। अम्मी मैंने मैंने छोड़ूंगी। देख लिया तुमने, हमें धमकाने के मुख्तलिफ हरबे आजमा रहा है वो। अम्मी हम इसके किसी भी हरबे से नहीं डरेंगे। खुदा के लिए ईशा अपनी जिद छोड़ दो। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं उससे अभी बात करती हूँ। ईशा, ईशा मत करो, खुदा के वास्ते मत करो ये सब। प्लीज ईशा, तुम याद हो Hello. क्या साबित करना चाहते हो तुम इन हरकतों से? कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ खबर लेने के लिए अपने बंदे को भेजा था, लेकिन पता है तुमने उसके साथ सलूक अच्छा नहीं किया। और अगली बार इससे भी बुरा हाल करूंगी अगर मेरे दरवाजे पे कोई आया तो। Oh my God, इतना गुस्सा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी? नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूं कि तुम डरने वाली नहीं हो। अगर डरती तो इस तरह फोन करके उससे इजहार ना करती ना, अलग हो औरों से। इसलिए तो कमबख्त इस दिल पे छप गई हो तुम। क्या चाहते हो तुम, कि मैं तुमसे डर के भाग जाऊं? नहीं, मेरी बात तो सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तो ये कह रहा हूं कि इस सिलसिले में ना औरों की जान चली जाएगी, तो खत्म करते हैं इस खेल को। मैं भी बोर हो गया हूँ, मुझे भी फोकस करना है अपनी चीजों पे। एक काम करो ना, तुम मेरी हो जाओ और अय्याशी करो। बकवास बंद करो अपनी। अगर तुमने इस तरह की हरकत दोबारा की ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुम FIR वापस नहीं लोगी? नहीं, मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर देखना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो जाएगा? जुर्म की रात एक ना एक दिन डाली जानी है, और वो वक्त जल्द आएगा। ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले अपने वो जो वकील नुमा आशिक है ना, उसकी खबर लेती रहना। समझा रहा हूँ, तुम्हारे प्यार में अंधा हुआ हुआ है, और जब मेरे तुम्हारे बीच में आएगा ना, जान से जाएगा, बता देना उसको। शावेज अजलाल से मिले, अगर उसने उसको कुछ नुकसान दे दिया तो क्या? खुदा के वास्ते। देखो ईशा, बहुत हो गया, मैं तुम्हें मुसलसल समझा रही हूँ और तुम मुसलसल अपनी मनमानी किए जा रही हो, नतीजा देख रही हो तुम? शावेज से बदला ले रहा है वो, और उसके बंदे हमें धमकाने के लिए हमारे घर तक आ पहुंचे। कल को वो आ गया तो क्या कर लोगी तुम? मैं उसका भी मुंह तोड़ दूंगी, बस कर दो। मैंने कह दिया तुम केस वापस ले रही हो, और मुझे इस मसले का बस एक ही हल नजर आ रहा है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मैं शादी नहीं करूंगी अम्मी। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती ना, तो कहीं से थोड़ा सा जहर लाकर मुझे दे दो। रोज रोज मरने से बेहतर है कि मैं एक ही दफा मर जाऊं। अम्मी, आप क्यों इतनी जल्दी हार मान गई हैं? अभी तो हमने भाई के कत्ल का बदला लेना है। तुम नहीं ले सकती बदला, नहीं ले सकती हो तुम। अल्लाह लेगा बदला, वो हिसाब लेगा। देखो, मैं रोज रोज इस तरह खुद को और तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकती ईशा। मेरे लिए मेरे बेटे का दुख बहुत काफी है। अम्मी, आपको क्या लगता है मेरी शादी करने से ये सब ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ठीक। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो इजलाल का इंतकाम भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देगा, मार दे। मुझे ये तसल्ली तो होगी ना कि मेरी बेटी अपने घर की हो गई है। लेकिन अगर इजलाल ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अम्मी, इसलिए ईशा मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो बेटा, तुम शादी कर लो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती। अम्मी प्लीज। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है ना, तो करते आप मेरी शादी, मैं राजी हूं। तुम राजी हो? मैं राजी हूँ अम्मी। आप मेरी किसी से भी शादी कर दें, लेकिन ऐसे बंदे से शादी कीजिएगा जो मेरी इस केस को लड़ने में मेरी मदद करे, जो मुझे रोके ना, क्योंकि मैं भाई के कत्ल का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगी।